प्रभात पट्टन ब्लॉक के अंतर्गत शहीद भवन के सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मौन धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें डॉक्टर विजय देशमुख, एडवोकेट बुजरा, रेवत करबावा, रावत रेस, संजू शिंदे, विजय शिवहरे, केसरो जी ठाकरे और समस्त कांग्रेसी लोगों ने यहां पर शांति से धरना प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ जो तानाशाही चल रही है, बीजेपी शासन जो आसमान को छूते हुए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और बिजली बिल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसके तारतम्य में कांग्रेस पार्टी में मौन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन की मुस्तैद रहे, शांति से कार्यक्रम सफल हुआ। एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता विजय बंजारे की रिपोर्ट। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय देशमुख एवं सभी उनके साथीगण प्रभात पट्टन शहीद भवन के सामने मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानना चाहेंगे उनसे, क्या नाम है आपका? जी भुजराज रेवतकर। ये धरना किस चीज़ के लिए हो रहा? ये जो किसानों पर केंद्र सरकार ने जबरदस्ती ये तीन कानून थोपे हैं, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप केंद्र शासन से? ये कानून वापस होना चाहिए। आप इस मामले में क्या कहेंगे अध्यक्ष महोदय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों काले कानून लाए हैं, जो किसान विरोधी है, अब उन तीनों काले कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को और आगे ले जाएगी और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि जो टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो बार बार दोहरा रहे हैं कि MSP बंद नहीं होगी, लेकिन आज वर्तमान में उनको क्या दिख नहीं रहा है कि MSP पे गेहूं खरीदा जा रहा है या सोयाबीन खरीदी जा रही या मक्का खरीदा जा रहा है? आज 1100 और 1200 रुपए सिर्फ मक्का बिक रही है और उसका MSP 1850 है। ये मौन धारण करके आपकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचेंगी? ये मौन धारण एक घंटे का था, उसके बाद तो अब आपसे हम बोल रहे हैं ना, मतलब इसके बाद आप और उग्र आंदोलन करना है। आंदोलन अगर करेंगे, आपकी शर्तें अगर नहीं मानी और ये कानून में बदलाव या पूरा वापस नहीं लिया तो किसानों के साथ हम कांग्रेस पार्टी। ये पट्टन में धरना प्रदर्शन हो रहा है कि आपके पूरे विधानसभा, पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है? धन्यवाद।